एक लंबा स्ट्रगल करके काफी कठिनाइयों के बाद इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाई और अपने कैप्टेंसी में इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कन महेंद्र सिंह धोनी की। इंडियन क्रिकेट इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे कप्तान है जिन्होंने इंडिया को सभी ट्रॉफी दिलाई है। ये फिनिशिंग स्टाइल के मास्टर है मास्टर। यह एक ऐसे खिलाड़ी है जो अंतिम गेंद तक हार नहीं मानते हैं। इनका हेलीकॉप्टर शॉट अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशी खिलाड़ी भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इनका ऐसा ही एक और रिकॉर्ड है जिसको आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। यह एक सेकंड से भी कम टाइम में स्टंप को उड़ा दिया करते हैं। माही का जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची शहर में हुआ। बचपन में इन्हें फुटबॉल पसंद था और यह बतौर गोलकीपर खेला करते थे। इनके कोच का ध्यान इन पर गया और इन्हें क्रिकेट खेलने के लिए मनाया। फिर क्या था, माही ने क्रिकेट सीखने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना क्रिकेट कैरियर शुरू किया। रणजी में अच्छा प्रदर्शन के बाद भी इनका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, फिर भी ये संघर्ष करते रहे और हार नहीं माने। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में जब दिग्गज खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया तब युवाओं को मौका मिला और महेंद्र सिंह धोनी उस टीम के कैप्टन बनाए गए। लोगों को लग रहा था ये नए नए खिलाड़ी क्या कर पाएंगे। वहीं धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया। वहीं धोनी से पूरा माहौल गूंज उठा। फिर आया 2011 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। एक बार फिर माही को कैप्टन बनाया गया और पूरी जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी पर। रिजल्ट, ऑन 2 अप्रैल 2011 इंडिया डिफीटेड श्रीलंका 6 विकेट। महेंद्र सिंह धोनी के छक्के के साथ 28 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडिया वनडे वर्ल्ड कप का अवार्ड अपने नाम कर लिया। रेलवे में इन्होंने टीसी की नौकरी की। साथ में ही इन्हें DRM ने अपने टीम में विकेट कीपर के रूप में चुना। अपने शुरुआती दिनों में धोनी टेनिस बॉल से आक्रामक बल्लेबाजी करते थे। माही की कैप्टेंसी में भारत ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सर्वोच्च पद हासिल किया। वर्ष 2008 में इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान भी दिया गया। धोनी पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जिन्हें यह सम्मान मिला। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। यह यहीं तक सीमित नहीं रहे, धोनी ने IPL में चेन्नई सुपर किंग्स को अपने अगुवाई में 3 बार विजेता बनाया। ये एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम करते गए और पीछे मुड़कर ये कभी भी नहीं देखे। इनके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि ये पिच पर हो या ग्राउंड के बाहर कोई भी डिसीजन बहुत आसानी और शांति से ले लेते हैं, इसीलिए इनको कैप्टन कूल भी कहा जाता है। इनकी पॉपुलैरिटी आप इसी से समझ सकते हैं कि 2016 में बॉलीवुड ने इनके जीवन पर एक मूवी बना दिया जिसने पूरे देश में धमाल मचा दिया। थैंक यू क्रिकेटर्स, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में।